नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद जिले में अमृत भारत परियोजना के माध्यम से 3 स्टेशनों की पहचान की गई। स्टेशन पर वाईफाई, स्टेशन के आसपास मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्टेशन के सीटिंग एरिया को आधुनिक बनाना, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को अलग अलग करके आधुनिक स्टेशन बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। यह महत्वपूर्ण स्टेशन देश के सभी राज्यों में उपलब्ध होगा। मुर्शिदाबाद जिले के ब्रह्मपुर कोट स्टेशन, अजीमगंज और न्यू फरक्का स्टेशनों को अमृत भारत परियोजना के माध्यम से सजाया जा रहा है। कुछ वर्षों में देश के सभी हिस्सों में इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। न्यू फरक्का स्टेशन और ब्रह्मपुर कोट स्टेशन पर एक समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से स्टेशन की अमृत भारत परियोजना का शिलान्यास किया। स्टेशन मास्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने स्टेशन के काम का शिलान्यास किया। मुर्शिदाबाद जिले के 3 स्टेशनों को सजाया जा रहा है। शहर का मुख्य स्थान रेलवे स्टेशन के आसपास बनाया जाएगा। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है फरक्का वासियों के लिए, विशेष रूप से क्योंकि फरक्का स्टेशन का जो चुनाव हुआ है वह अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उन 508 स्टेशनों में से जो आज के दिन जिसका उद्घाटन किया गया उनमें से फरक्का स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट के लिए आज हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है और आज से काम ये शुरू हो गया। कितना दिन लगेगा समय ये देखने में? इसके लिए लगभग 200 दिन का टारगेट रखा गया है। मालदा डिवीजन में कितने स्टेशन में मॉडिफाई होगा? अभी 7 स्टेशन हैं, इसके अंदर 7 स्टेशनों में आज इसका उद्घाटन किया गया है। कुल मिला के होल इंडिया में 508 स्टेशन। आदमी को क्या सुविधा मिलेगा इसमें? एक बेटर जितना भी है वो सुविधा इससे ज़्यादा मिलेगा। इसको एक मॉडल क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। इसमें जो अभी देख रहे हैं जैसे आगे पार्किंग का थोड़ा सा अभाव है, वो सारे खत्म हो जाएंगे, मॉल टाइप का बनेंगे, कॉमर्शियल शॉप्स रहेंगे, मतलब आप एक ही रूप के अंडर सभी लिफ्ट रहेंगे, एक्सलेटर रहेंगे, रैंप रहेंगे, ठीक है। ये डबल स्टोरीज बिल्डिंग होगा, आगे जो है आपका ग्रीनरीज रहेंगे, रोड्स अप्रोच रोड्स रहेंगे, आने के लिए जाने के लिए अलग अलग रहेंगे वो सभी, मतलब एक आपने फिगर देखा, फोटो भी देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं। आज के कार्यक्रम क्या था स्टेशन में? आज कार्यक्रम था इनके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा फरक्का स्टेशन में जो कार्यक्रम रखा गया था उन 508 स्टेशनों में से फरक्का स्टेशन को चुना गया और फरक्का स्टेशन में आज ये एक स्टोन लेइंग स्टोन्स जो है, मतलब पत्थर जो है, जैसे कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो वहाँ से स्टोन डाल के हम शुरुआत करते हैं कि आज से ये काम शुरू हुआ, मतलब इनॉग्रेशन आज से फरक्का स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू हुआ। इसमें खर्चा सर कितना टारगेट है सर? इसमें देखिए 43 करोड़ के आसपास हमको लगता है कि लगभग दिया गया है, जो कि मालदा डिवीजन को सब থেকে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী গোটা ভারতবর্ষের কথা যেভাবে ভেবেছেন এবং ভেবে উনি যেভাবে 18 ঘন্টা ঘাম ঝরিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে দেশ স্বাধীনের 75 বছরের পর যে লাস্ট 9 বছরে যে গতিতে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আজকে বিশ্বের উন্নত মানের 2-3 নম্বর ঢুকে গেছে, 1-3 নম্বরের মধ্যে ভারত যে কোনো ডিপার্টমেন্টে আজকে পৃথিবীর বুকে। আজকে ভারতবর্ষে মোদিজি বললেন কি দেশ স্বাধীনের পর এই লাস্ট 1 বছরে উন্নতমান দেশগুলোর 8-10টা দেশে যা রেল পাতানো হয়েছে ভারতবর্ষে 1 বছরে পাতানো হয়েছে, এটা ভারতবর্ষের গৌরব গোটা পৃথিবীর বুকে। আজকে ভারতবর্ষে মোদিজি যে কোনো বিষয়ে দ্রুত গতিতে উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। আজকে ফরাক্কা স্টেশন সহ পশ্চিমবঙ্গে মোট 37টা ট্রেন রেল স্টেশন পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে,
आज के अमृत महोत्सव काले 75 बचरे आज के जे भाव मोदी जी सर्वस्तरे सकल स्तर सकल समाज सब मानुषर जो जे भाव क्या कर सत्य भारतवासी हिसाब से एक जन अहंकार ये गौरव कि मोदीजी निजेके एक जन सेवक भावें चौकीदार भावें एक जन नागरिक भावें आज के उनार बक्तव्य उठे एस एक भारतवर्षर नागरिक हिसाब से हमें भारतवर्ष के एगिए नहीं जावर जन जा करते हैं करब उन्नी बिरोधी लोक के बोले हमें जी करी ना कें देश के एगिए नहीं जावर जो हम जान कांधे कांध मिलिए एक संगे देशर जो लड़ाई करब पार्टी पॉलिटिक्स साइडे रेखे उन्नी स्पष्ट भाषा बोलते चेन देश के आगे बढ़ानों जो कोनो समझौता नय कोनो किछु आलादा करा जावे ना उन्नी परस्पर उन्नी आगामी किछु कर्मसूचिर कथा तुले धरे आगामी 7 तारीख थेके 9 तारीख एवं 14 तारीखेर कथा उन्नी दुखेर संगे उन्नी बोलेछेन कि 14 तारीख आमादेर देश भाग हयेछिलो सेई कथाओ उन्नी तुले धरेछेन।